वेलकम करता हूं दोस्तों एक और नई फ्रेश अपडेट के साथ। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी डीटीएच एंड केबल ऑपरेटर्स सब्सक्राइबरों को लेके। जी हां, अगर आप प्राइवेट डीटीएच एंड केबल ऑपरेटर्स के सब्सक्राइबर हैं तो आप सभी के लिए एक इस वीडियो में गुड न्यूज़ रहने वाली है, जो कि रहने वाली है एनसीएफ चार्ज से जुड़ी। क्या है ये जानकारी देंगे हम इस वीडियो में विस्तार से। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिले सबसे पहले। और फ्रेंड्स, हमारी सेकंड YouTube चैनल वहाफिर रेडिश 2 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारी इस वीडियो को Instagram या Facebook पर देख रहे हैं तो दोस्तों आईडी को भी फॉलो जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो के टॉपिक की ओर और बात करते हैं ट्राई के द्वारा बनाए गए एक नए नियम को लेके, जो कि रहने वाला है केबल ऑपरेटर्स एंड डीटीएच प्रोवाइडर को लेके। जी हाँ, ट्राई की ओर से एक नया नियम बनाया गया है जो कि रहने वाला है एनसीएफ चार्ज से जुड़ा। जैसे कि आप सबको हम बता दें कि सभी डीटीएच एंड केबल ऑपरेटर द्वारा आप सभी से एक एनसीएफ चार्ज लिया जाता है, जो कि रहता है 130 रुपीज एंड 160 रुपीज, जिसमें आपको 130 रुपीज में 150 से लेकर 200 टीवी चैनल बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलते हैं, जो कि फ्री टू एयर चैनल्स होते हैं। और वहीं बात करें 160 रुपीज में आपको देखने के लिए मिलते हैं 200 प्लस फ्री टू एयर चैनल्स, जिसको आप नेटवर्क कैपेसिटी फीस के रूप में एनसीएफ चार्ज देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, अब जो ट्राई की ओर से नया नियम बनाया गया है, जिसमें बताया गया है कि अब आपसे केबल ऑपरेटर्स या डीटीएच प्रोवाइडर आपसे एनसीएफ चार्ज नहीं लेगा, जिसमें आपको 200 प्लस टीवी चैनल्स बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि नेटवर्क कैपेसिटी फीस होती क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एग्जांपल के तौर पे आपको बता दें, अगर आप किसी केबल टीवी के सब्सक्राइबर हैं और आपके घर तक जो भी चैनल्स पहुंच रहे हैं वो केबल ऑपरेटर्स के द्वारा पहुंचाए जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बता दें कि डीपीओ से लेके आपके घर तक जितने भी टूल्स लगते हैं, लाइक जैसे तार हो गया, एम्पलीफायर होगी या सेटअप बॉक्स हो गया, या उसके अलावा बहुत से टूल्स होते हैं जो कि केबल ऑपरेटर द्वारा लगाए जाते हैं, जो कि आपके घर से लेके डीपीओ के बीच में लगे होते हैं, उन सभी चीजों का जो मासिक शुल्क आप सभी से लिया जाता है, जो कि एनसीएफ चार्ज के रूप में आप सभी से लिया जाता है, यानी नेटवर्क कैपेसिटी फीस के रूप में लिया जाता है। और इसके बदले में आपको फ्री टू एयर चैनल्स दिए जाते हैं, यानी अगर आपसे 130 रुपीज नेटवर्क कैपेसिटी फीस ली जा रही है, यानी एनसीएफ चार्ज पर मंथ लिया जा रहा है, तो आपको 150 टीवी चैनल्स या 150 से लेकर 200 चैनल्स के बीच में आपको फ्री में दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर वहीं बात करें, 160 रुपये आपसे नेटवर्क कैपेसिटी फीस के रूप में लिया जा रहा है, तो फ्रेंड्स इसमें आपको 200 प्लस फ्री टू एयर चैनल्स देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पेड टीवी चैनल्स को लेके, चाहे वो सोनी का हो, जी का हो, स्टार का हो, कोई भी चैनल हो, आप ब्रॉडकास्टर द्वारा बताए गए प्राइस में ही उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल को देखने का मजा ले सकते हैं। लेकिन वहीं बात करें ट्राई के बनाए हुए नए नियम को लेके, जो कि रहने वाला है एनसीएफ चार्ज को हटाए जाने से, तो फ्रेंड्स उसमें बताया गया है कि 45% तक आप सभी सब्सक्राइबरों को बेनिफिट होने वाला है एनसीएफ चार्ज हटने से। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, अगर आपके पास केबल टीवी का कनेक्शन लगा है, तो हम आपको बता दें कि डीपीओ से लेके आपके घर तक जितने भी टूल्स लगे हैं, उन सभी टूल्स की मेंटेनेंस के लिए नेटवर्क कैपेसिटी फीस आप सभी से ली जाती है। अगर आपके घर से लेके डीपीओ के बीच में कोई भी चीज में खराबी आती है, या तार चेंज करना पड़ता है, या एम्पलीफायर चेंज करनी पड़ती है, उन सभी चेंज करने में भी खर्च आता है केबल ऑपरेटर्स का, तो उन्हीं सभी चीज के लिए आपसे नेटवर्क कैपेसिटी फीस ली जाती है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि एनसीएफ चार्ज आप सभी से हटने वाला है। क्योंकि जैसे कि ट्राई की ओर से बताया गया है कि आज से लेकर 3 महीने के भीतर भीतर सभी डीटीएच एंड केबल ऑपरेटर्स को एनसीएफ चार्ज को हटाना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता है कि एनसीएफ चार्ज इतनी आसानी से हटने वाला है, क्योंकि एनसीएफ चार्ज के ही बदौलत अब केबल टीवी इंडस्ट्रीज बची हुई है, नहीं तो केबल इंडस्ट्रीज कब की खत्म हो चुकी होती। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहले कोई भी सेटअप बॉक्स केबल टीवी पर नहीं लगता था, सीधा एक केबल तार की मदद से आप टीवी पर आसानी से टीवी चैनल्स देख सकते थे, यानी 100-125 टीवी चैनल्स देख सकते थे। लेकिन ट्राई ने एक नया रूल लाया था, जिसके मुताबिक सभी केबल नेटवर्क को डिजिटल केबल नेटवर्क के रूप में बदल दिया गया था, और अब आपको सेटअप बॉक्स के माध्यम से सभी टीवी चैनल्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसके लिए अब आपको सभी पेड टीवी चैनल्स को सब्सक्राइब करना पड़ता है और हर चैनल्स के लिए अलग अलग प्राइस चुकाना पड़ता है, जो कि आप सभी को बहुत ही कॉस्टली पड़ रहा था। जी हाँ, आप सभी को केबल टीवी देखना बहुत ही कॉस्टली पड़ रहा था, जिसके चलते अब ट्राई ने एक और नया नियम लाया है, जो कि रहने वाला एनसीएफ चार्ज को हटाने का। फ्रेंड्स, देखना होगा कि केबल ऑपरेटर्स द्वारा या डीटीएच द्वारा
एनसीएफ चार्ज को 3 महीने के भीतर भीतर हटाया जाता है या नहीं, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो ट्राई की ओर से एक नया नियम आ चुका है जो कि रहने वाला है सभी डीटीएच एंड केबल ऑपरेटर से एनसीएफ चार्ज को हटाने का। और अब देखते हैं कि सभी केबल टीवी एंड डीटीएच प्रोवाइडर इस चार्ज को कब तक लेना बंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी जो कि ट्राई के एक नए रूल से जुड़ी थी। आप सबको ये जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट्स में बताएं, और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।